Hello students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy and course number is EAS 5111. So yes, in our previous lecture we had seen that cropping system and cropping pattern and their principles of crop rotations. Okay, so again in this lecture we have to discuss that some basic or some important factors as well as advantage of the crop rotation. Okay, so let us see the major advantages of following proper crop rotation principles are, okay, so the first advantage is agricultural operations can be done timely for all the crop because of less competitions. Okay, so why less competitions? Because the particular crops are, they are different basic natures, like for water requirement, for nutrient adoption, ठीक है, सब चीज़ के लिए उनका एक particularly अलग nature होता है कि वो किस तरीके से water चाह रहे हैं या कैसे, किस atmosphere में वो उगने वाले हैं, fibrous root है या deep rooted crop हैं, ठीक है, legume crops हैं या cereals crop हैं. तो जब अलग अलग यू नो नेचर के जब प्लांट्स फील्ड पे उगते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड में हम उगाते हैं सीजन के हिसाब से, ठीक है, तो क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता. क्यों कंपटीशन नहीं होता? क्योंकि वो दोनों का नेचर बहुत अलग होता है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट, जर्मिनेशन जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है, जर्मिनेशन में जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, सारी जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होता है वो टाइमली हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है. सपोज हमने सीरियल्स और पर्सल्स को क्रॉप रोटेशन में या इंटरक्रॉपिंग या क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से हमने लगाया हुआ है, ठीक है. तो जो सीरियल्स की जो रिक्वायरमेंट है वाटर रिक्वायरमेंट, और पल्सेस की जो वाटर रिक्वायरमेंट है, एट द सेम टाइम जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है दोनों क्रॉप का, ठीक है, अलग अलग होगा. जैसे लेग्यूम को कम नाइट्रोजन चाहिए, सीरियल्स को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो हम जो एप्लीकेशंस हैं उसको टाइमली कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें किसी एक को पहले ध्यान देना है, उसके बाद दूसरे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एक्शन लेना है, ठीक है. सो दिस इज़ फॉर दैट. ओके, सो सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन बाय लेग्यूम थ्रू फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एनकरेजिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ठीक है. फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल मतलब क्या होगा, सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आप देख सकते हैं कि सॉइल में किस किस तरीके का, हम कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबल है पहले से, ठीक है. क्यों? क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है लेग्यूम्स क्रॉप के थ्रू, ठीक है. तो लेग्यूम्स क्रॉप में छोटे छोटे उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया का एक कोर नेचर होता है कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं उसको सॉइल में फिक्स करता है, ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है. ओके, सो ये जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम कह रहे हैं वो यही प्रॉपर्टीज़ जो है वो अडॉप्ट करता है, कौन सा क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप, इज़न्ट इट. ओके, देन द थर्ड एडवांटेज इज द सॉइल इज ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एरोजन, सैलिनिटी एंड एसिडिटी, एंड आइडियल क्रॉप रोटेशंस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड डिसीजेज. इट ऑल्सो कंट्रोल द वीड्स इन द फील्ड्स. क्योंकि क्या होता है, बहुत से क्रॉप्स हम ऐसे उगाते हैं या हम ऐसे ऑल्टरनेट क्रॉप रोटेशंस लेते हैं जिसमें कुछ इंसेक्ट्स और पेस्ट जो होते हैं वो माइनर क्रॉप में अटैक करता है, मेजर क्रॉप में अटैक नहीं करता. क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न लेते हैं सिस्टमैटिकली कि अगर कोई पेस्ट अटैक कर रहा है, इंसेक्ट अटैक कर रहा है, तो मेजर क्रॉप का वो अटैक ना हो. क्यों? क्योंकि जो माइनर क्रॉप हम उगाते हैं उसमें वो होस्ट प्लांट का काम करते हैं, ठीक है, थीके? तो उसमें क्या होता है, हमें कम, जो हमने मेजरली ज़्यादा पीस ऑफ लैंड में जो हमने क्रॉप लिया उसको कम नुकसान पहुंचता है, और जो हमने फेंसिंग की है या हम जो इंटरक्रॉप में माइनर क्रॉप लिया है उसमें होस्ट जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं. किसके होस्ट? इंसेक्ट या डिसीजेज़ के जो होस्ट होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे एग्स वगैरह होते हैं, लार्वे होते हैं,
तो ये क्या करते हैं, माइनर क्रॉप में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैलेंस है क्रॉप जो पैटर्न का, क्रॉपिंग पैटर्न का, ये बना रहता है। ओके, आफ्टर दैट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड इनपुट कुड बी मेड। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है क्रॉप का, ठीक है, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का होता है, रिसोर्सेज मतलब वाटर का होता है। ठीक है, कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है कि कुछ क्रॉप्स वाटर रिक्वायरमेंट जिनकी ज़्यादा होती है उनके लिए ठीक है, कुछ क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, तो एक बैलेंस बना होता है। ओके, देन द फार्मर्स गेट बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इट्स हायर डिमांड इन द लोकेलिटी और इन द मार्केट। ओके, सो कैसा लोकेलिटी, मतलब हमने देखा था प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ऐसा भी था जहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू दी फार्मर कन्वीनियंट के हिसाब से, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हमें क्रॉप लेने होते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दी मार्केट डिमांड्स जो है हम क्रॉप्स लेते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज टोमेटो का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, या टोमेटो के रिक्वायरमेंट या किसी कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई है, किसी इंडस्ट्री ने उस फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कराया कि तुम्हारा टोमेटो जो है वो हम लेंगे अपने इंडस्ट्री में केनिंग मटेरियल बनाने के लिए, टोमेटो सॉस या अनदर मटेरियल रेडी करने के लिए। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या होता है, उसमें हमें डिमांड उसकी ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है, टोमेटो की। ठीक है, सपोज अगर हम वहाँ टोमेटो नहीं उगाते, कोई और क्रॉप ले लेते हैं, चिली ले लेते हैं, अनियन ले लेते हैं, उस कंडीशन पर क्या होगा, जो डिमांड है, जो डिमांड नहीं है जिस क्रॉप की, वो अगर हम क्रॉप ले लेंगे तो क्या होगी, मार्केट में उसकी हायर डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, लोकेलिटी वैसी नहीं है जो रिक्वायर करे, जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट हो चिली की, उसकी रिक्वायरमेंट टोमेटो की है तो वो टोमेटो लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड लोकेलिटी और इन द मार्केट हम क्या होते हैं, क्रॉप को लेते हैं। इससे क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो बेटर प्राइस क्या करते हैं, ले पाते हैं, या उन्हें मिलता है, बेटर आउटपुट मिलता है हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दे आर सम नीड्स व्हाई वी हैव टू नीड दैट वी आर यूजिंग क्रॉप रोटेशन। ठीक है, पहला तो ये होता है कि हम जो फील्ड होता है, ठीक है, जो खेत होती है फार्मर्स की, उसमें हम क्रॉप रोटेशन लेने का हमारा एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना होता है, अल्टरनेट करना होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने स्टार्ट क्यों करा था, ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने देखा कि इससे बेटर प्राइस मिलेगा, हर टाइप के क्रॉप्स मिलेंगे, फार्मर का इनकम बढ़ेगा, सीज़न के अकॉर्डिंगली सारा काम होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक बहुत ही यू नो बैलेंस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो ये सारे जो अडॉप्शन हमने देखे कि क्रॉप ये सारी जो एलिमेंट्स है उसको अडॉप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द वेदर, फार्मर के कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, तब हमें क्यों ज़रूरत पड़ी क्रॉप रोटेशन की, ये हम देखेंगे। ओके, सो इन कंट्रीज लाइक इंडिया द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स एंड बाई 2010 AD it will cross 15 billion demanding a food grain supply of 250 metric ton per year for the present level of 145 metric ton from the 132 meter square per hectare of cultivated land. Okay, so by the end of 2020 AD the prospective land availability will be less than 0.17 hectare and by all possible means like reclaiming the problematic soils and water wasteland and net area cultivated could be increased to 150 millimeter hectare only. Okay, so आपको ये याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमें जब कैलकुलेशन हम करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली हमसे पूछते हैं, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.54 एकर। ओके, सो दिस मेजरमेंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ओके, ओके, and the next need the other estimate shows that the cultivated area may be even reduced by because of increasing population and due to industrialization and urbanization to meet food demand of even growing population the total production has to be increased by. ठीक है, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, क्यों डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन
अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है कि डिमांड किस प्रोडक्ट की हमें है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्रॉप कल्टिवेशन करना है, ठीक है। तो इस वजह से ही हमने क्या करा, क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग पैटर्न को हमारे फार्मिंग सिस्टम में इंक्लूड करा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करने के लिए कि हमें एक ही टाइम पे पल्सेस क्रॉप भी मिल जाए इंटरक्रॉपिंग करने से और सीरियल्स क्रॉप भी मिल जाए, एट द सेम टाइम हमें वेजिटेबल्स क्रॉप भी मिल जाए, ठीक है। इस वजह से हम मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग की हमने शुरुआत की कि हर अलग अलग हाइट्स की हम प्लांट लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, तो हमें क्या होगा, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन बेसिक यू नो आइडियाज़ की वजह से हमें क्या हुआ, क्रॉप रोटेशन को हमने अपनाया। आफ्टर दैट इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी लाइक यील्ड पर यूनिट एरिया, ओके। सो देयर आर टू टर्म्स विच इज़ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ओके। सो व्हाट इज़ प्रोडक्शन, द होल एरिया वी गेट द प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप, ओके। मतलब पूरे एरिया में जो हमें उत्पादन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उस क्रॉप का या उस पर्टिकुलर थिंग जो भी हो, जो भी चीज़ है उसका हम बोलेंगे कि टोटल प्रोडक्शन है। एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बोथ आर वेरी डिफरेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, द यू नो जब आपको पर यूनिट एरिया में वी गेट द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप दैट इज़ कॉल्ड पर यूनिट एरिया, मतलब सपोज हमने 1 meter square में हमें किसी क्रॉप का जितना यील्ड मिला दैट कुड बी अ प्रोडक्टिविटी, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी यील्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। आफ्टर दैट इंक्रीजिंग एरिया अंडर कल्टिवेशन इज सेल्डम पॉसिबल एंड द अल्टरनेटिव इज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाई इंटेंसिव क्रॉपिंग विच मीन्स द क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक जो हमें नीड्स है, पहला सबसे मेजर नीड्स ये है कि सॉइल को फर्टाइल रखने के लिए, हमेशा हम देख रहे हैं कि एक ही टाइप की जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो एक ही टाइप के क्रॉप्स उगाने से सॉइल जो होती है वो फर्टाइल नहीं, बंजर होने लगती है सॉइल, ठीक है, बैरन लैंड में चेंज होने लगती है वो। इस सिचुएशन को देखते हुए हमने क्या करा, क्रॉप रोटेशन को और क्रॉपिंग पैटर्न को हमारे फार्मिंग सिस्टम में इंक्लूड किए, ठीक है, कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी को हमेशा मेंटेन करना है। इसके साथ साथ धीरे धीरे हमने देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से डिमांड बढ़ रहा है क्रॉप का, डिमांड की वजह से क्या हो रहा है, फार्मर्स को क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को काम मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इनको हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से बेसिक नीड्स जो थी क्रॉप रोटेशन को अपनाने का वो ये सारा था, ठीक है। तो हमने क्रॉप रोटेशन में जो भी बेसिक टर्म्स है जैसे क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस एंड नीड हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मिंग सिस्टम का पर्टिकुलर टर्म देखेंगे कि रिले क्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या है, ठीक है, या क्रॉपिंग सिस्टम को कितने यू नो टाइप्स में, कितने काइंड्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। सो आज हम यही लेक्चर ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।